दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर स्मार्टफोन का सीजन शुरू हो गया है। एलजी ने अपना G8 स्मार्टफोन अनाउंस कर दिया है, सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S10 सीरीज अनाउंस कर दी है, और ये इस तरह के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अनाउंस होने के बाद अभी ये सिलसिला पूरे साल चलता रहेगा। तो मैं फोन्स को रिव्यू ना करके आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आप स्पेक शीट पढ़ के ये समझ पाए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज आपके काम की और कौन सी चीज नहीं है, ताकि आप एक बेहतर स्मार्टफोन खरीद पाए। सर, मैं कंपोनेंट्स, एक एक कंपोनेंट की बात करूंगा इस पूरी सीरीज में, कई सारे वीडियोस के अंदर। और आज हम बात करेंगे डिस्प्ले की, कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है मार्केट में, आपका स्क्रीन साइज क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें होती है डिस्प्ले से रिलेटेड, वो सब आज के वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने स्मार्टफोन का, क्योंकि हम पूरे टाइम डिस्प्ले से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा इनपुट भी यही से जाता है। मतलब जो भी टाइप वगैरह करना होता है, जो भी टच इंटरफेस होता है, वो सारा हम डिस्प्ले से करते हैं। जो भी आउटपुट हमें मिलता है, जो भी हमारे इनपुट का जो आउटपुट हमें मिला, वो भी डिस्प्ले के अंदर से ही मिलता है हमें। तो डिस्प्ले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस को बनाने के लिए। और एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने काम के मुताबिक एक बेहतर डिस्प्ले जरूर चुनना चाहिए। एसओसीज भी इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर फ्लैगशिप की बात करें तो आपको इस साल एसओसी स्नैपड्रैगन 855 ही मिलेगी हर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। तो एसओसी के बारे में उतना ज्यादा सोचना नहीं है, पर डिस्प्ले के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में इसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के साइज की। तो हमारा डिस्प्ले जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, जैसे कि इस फोन में है। अब डिस्प्ले का साइज ऐसे मेजर करते हैं कि इसे डायगोनली मेजर करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है वो इस डिस्प्ले का साइज होगा, सेंटीमीटर या इंचेस में मेंशन करते हैं। जैसे कि 5.7 इंचेस अगर साइज दिया हुआ है, तो डायगोनली ये जो लेंथ है वो 5.7 इंचेस होगी उस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। तो जो आप मीडिया कंज्यूम करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन में, वो जनरली वीडियो या जितने भी वीडियोस यूट्यूब वगैरह में या मूवीज में होता है, वो सारे 16:9 के स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो में शूट किए जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है कि डिस्प्ले की बड़ी वाली साइड और उससे कम बड़ी वाली साइड के बीच में जो पिक्सल्स हैं, यहाँ पे जितने पिक्सल्स हैं उनको डिवाइड करिए, यहाँ पे जितने पिक्सल हैं उस रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। और स्टैंडर्ड 16:9 है, पर आजकल बहुत सारे ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो वाले फोन भी आ रहे हैं, जैसे कि 16:9 की बजाय 18:9 या 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले फोन भी आ रहे हैं, जिनमें डिस्प्ले थोड़ा टॉल होता है, थोड़ा लंबा होता है डिस्प्ले। अब बात करते हैं आपके रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन जनरली डिनोट किया जाता है 720p या 1080p के इस तरह से डिनोट किया जाता है, और कभी कभी HD या फुल HD भी यूज किया जाता है रेजोल्यूशन को डिनोट करने के लिए। तो HD बेसिकली 720p है। 720p का मतलब है कि ये जो कम बड़ी वाली साइड है डिस्प्ले की, वहां पे 720 पिक्सल्स है, और 720 के बाद जो P है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव स्कैनिंग को डिनोट करता है। स्कैनिंग बेसिकली ये होता है कि आपके डिस्प्ले में जो भी इमेज आपको दिख रही होती है वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश हो रही होती है, और वो रिफ्रेश करने के तरीके को स्कैनिंग कहते हैं। प्रोग्रेसिव स्कैनिंग दोस्तों लेटेस्ट तरीका है। इसके पहले इंटरलेस्ड स्कैनिंग भी होती थी, जब 1080i रेजोल्यूशन मिलता था आपको कभी कभी। तो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, आपको 1080p 720p के अलावा कोई आई वाला रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि 2K और 4K क्या है। तो जो 1080 होता है वो 1000 के सबसे करीब है, और K रोमन नंबर में 1000 को डिनोट करता है। तो जब भी किसी डिस्प्ले में 1080p रेजोल्यूशन से डबल पिक्सल्स होंगे तो वो हो जाएगा 2K डिस्प्ले। बेसिकली 2K डिस्प्ले होता है 1440p, पर उसमें 1080 के मुकाबले 2 गुने पिक्सल्स होते हैं पूरे स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो हो गया 2K डिस्प्ले। इसी तरह 3K डिस्प्ले अगर 3 गुना ज्यादा पिक्सल्स अवेलेबल है 1080p से, और 1080p को एक बेंचमार्क बना के 2K 3K 4K वगैरह जो भी आपको डिफाइन करना है वो आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है मार्केट में। अभी मार्केट में 2 तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, पहली है LCD, दूसरी है LED। LCD इन दोनों में से पुरानी टेक्नोलॉजी है, काफी सालों से डेवलप हो रही है और इस वक्त लगभग मच्योर हो चुकी है, डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गया है इसका। LCD काम ऐसा करता है कि इसमें 2 लेयर्स होती है। पहली तो होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल की लेयर, जहां पे इमेज एक्चुअली बनती है, और फिर उस लेयर के पीछे एक लेयर होती है जो लाइट इमिट करती है, जिसे हम बैकलाइट कहते हैं। तो LCD के केस में एक बैकलाइट की जरूरत होती है, इनका खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है, ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, एक बैकलाइट की मदद से इन्हें लाइट प्रोड्यूस करके
दी जाती है इमेज के ऊपर। और ओलेट्स जो होते हैं उनके केस में हर एक स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स हैं वो खुद की एक लाइट एमिट करते हैं, तो खुद की एक लाइट एमिट करने की वजह से ये ज्यादा ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है अभी, तो ये लगातार ग्रो कर रही है कॉन्स्टेंटली अभी। और अगर आपने रिसेंटली फोल्डेबल स्मार्टफोन्स वगैरह के बारे में सुना हो, या फिर जो लेजर कटआउट्स नॉच कटआउट्स हैं वो सब ओलेट पे ही करते हैं, या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करिए तो वो ओलेट स्क्रीन पे ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लेयर्स कम है, सिर्फ एक ही लेयर है, सीधे उसी के अंदर जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए। अगर आप मूवीज देखते हैं आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहिए, बहुत अच्छी ट्रू डार्क चाहिए, और बहुत ही पॉपी कलर चाहिए जो आपको बहुत लाइवली से कलर लगे, जो आपको एंगेज करके रख सके स्क्रीन पे, तो आपको ओलेट डिस्प्ले लेना चाहिए। अगर आप टेक्स्ट पढ़ने के लिए ज्यादा काम में लाते हैं अपने स्मार्टफोन को, अगर आप स्मार्टफोन में ज्यादातर किताबें या टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आपको रेजोल्यूशन ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रेजोल्यूशन से वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो शार्प प्रोड्यूस होगा और काफी अच्छा दिखेगा। एलसीडी स्क्रीन बाकी सभी लोग ले सकते हैं जिनके पास, जिनका और कोई भी यूज केस है। आप अगर रेजोल्यूशन अच्छा ले रहे हैं तो एलसीडीज भी बहुत अच्छी है, एलसीडीज में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये बैटरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। एलसीडीज ज्यादा पावर इफिशियंट है प्रेजेंट जनरेशन में एमोलेड के मुकाबले, और एलसीडीज में क्योंकि मल्टीपल जो आपकी पावर जो लाइट प्रोड्यूसिंग लेयर है वो काफी नीचे होती है, एक लेयर के नीचे होती है, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है जो आपको फिंगर टिप में महसूस होगी वो एलसीडी के केस में कम होगी, और ओलेट के केस में थोड़ी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो आपकी उंगली पे आपको महसूस हो सकती है टच करते वक्त। तो आई होप कि आपको ये गाइड पसंद आएगी, आपको ये डिस्प्ले अपना फोन का नेक्स्ट अपने नेक्स्ट फोन का डिस्प्ले सेलेक्ट करने में काफी मदद करेगी ये पर्टिकुलर वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप आगे इस चैनल में क्या देखना चाहते हैं और इस सीरीज में मैं आगे क्या करूँ। लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली डिलीवर होते रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।